बीबी के साथ बदलते भारत की शान। गायों में फैली लंपी पॉक्स संक्रामक बीमारी से निमटने के लिए राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर ने राजुवास इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया है, जो पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उन्हें चुस्त दुरुस्त बना रहा है। इस विषय पर राजुवास के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग से बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। इम्यूनो बूस्टर में मुख्य कौन कौन से इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कंटेंट है जो जानवरों को चुस्त दुरुस्त और सेहतमंद बनाने के साथ स्फूर्तिवान बनाता है? देखिए, ऐसा है कि जो इसका पूरा फार्मूला है वो तो विश्वविद्यालय स्तर पर जो है, जब तक हम लोग कोई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं कर देते वो तो हम लोग नहीं बताना चाहेंगे। जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, जैसे आपने कोरोना काल में भी देखा है कि मनुष्यों को जिंक जरूर दिया गया है, विटामिन सी जरूर दिया गया है, उसी प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न केवल हमने इसमें जिंक डाला है और भी इसी तरह के तत्व जो हैं इसके अंदर डाले हैं। और विटामिन सी जैसे बात हो रही है, हमने विटामिन सी का भी सीधे सीधे विटामिन सी ना हो करके हमने उसके अंदर जो है नींबू का रस या नींबू के जो छाल होती है, जो फल होता है उसका जो बचा हुआ छिलका है उसको प्रयोग किया है, उसके अंदर हल्दी है और बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। वो इस स्तर पर बताना तो उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक मात्रा में इसको तैयार करके और हमारे जो पशुपालक भाई हैं, जो गौशाला के प्रबंधक हैं, उनको हम लोग इसको उपलब्ध करवाएँ। राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी इसकी मांग बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर तक लोग इसको लेने के लिए आ रहे हैं। मांग में कमी और आपूर्ति की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अभी राज्य सरकार ने भी जो दवाई क्रय करने की प्रक्रिया में कुछ छूट दी है, क्योंकि अगर हम सभी उसमें उलझ करके रह जाएंगे और उधर से हमारा गोवंश मरता रहेगा, तो राज्य सरकार के द्वारा नियम में कुछ छूट दी है और उन्होंने अपने जो हमारे जिला स्तर के अधिकारी हैं उनको अधिकृत कर दिया है कि इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए आप जो है उसको दवाओं को क्रय कर लें। लंपी पॉक्स बीमारी को लेकर अपन देख रहे हैं कि परंपरागत जड़ी बूटियों का जो इलाज है वो इसमें रामबाण साबित हो रहा है। हम लोगों ने अपने जो फॉर्मुलेशन बनाया है उसके अंदर गिलोय भी है, उसके अंदर हम लोगों ने तुलसी का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हल्दी का भी प्रयोग कर रहे हैं और ये एक बहुत ही सत्यापित विधि रही है उपचार की, मनुष्यों के उपचार के लिए या पशुओं के उपचार के लिए। लेकिन ये विडंबना है कि जब से पिछले लगभग 60-70-80 वर्षों से हम लोगों ने ज़्यादातर जो है एलोपैथिक मेडिसिंस के ऊपर ध्यान दिया है, और मैं ये बताना उचित समझूंगा कि जितनी भी हमारी एलोपैथिक मेडिसिंस हैं उनसे कभी भी कॉज ऑफ डिजीज़ जो है वो नहीं जाता है, सिवाय इसके कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। और जब तक मनुष्य के या पशु के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक उसका उपचार बहुत अच्छा संभव नहीं होता या उससे लड़ाई, रोग से लड़ने की क्षमता नहीं आती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि वेटनरी कॉलेजेस के अंदर भी अधिक से अधिक जो है औषधीय पौधों के ऊपर हम लोग शोध का कार्य करें। तो ये थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग, जिनका मानना कि बीमार पशुओं को चुस्त दुरुस्त और ऊर्जावान बनाने में राजुवास इम्यूनिटी बूस्टर न केवल रामबाण का काम कर रहा है बल्कि लंपी पॉक्स बीमारी से पीड़ित जानवरों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाकर उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का महत्वपूर्ण जरिया भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन रफीक के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज बीकानेर। बदलते भारत की शान।